नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 व्हिच इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। सो एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपेंड एट द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एक ऐसा जूते का डिब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला हो। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹20, अगर शीट की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹20 है तो कितना पैसा लगेगा। ये ओल्ड बुक है इसलिए रुपीस को इसमें आरएस लिखा गया है, वरना जो नई बुक्स हैं उन सभी में इसे चेंज कर दिया गया है, तो इस आरएस को आप ध्यान न दें। नाउ इट इज गिवेन दैट इज द प्लास्टिक बॉक्स इज टू बी मेड एज पर द डिजायर्ड डायमेंशंस। सो द डायमेंशन इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो जूते का डिब्बे जैसा है लेकिन ये है तो काफी बड़ा, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइडर एंड 65 सेंटीमीटर डीपर। सो 65 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करो और उसको मीटर में चेंज कर लो, तो 0.65 मीटर। तो इसकी ये डेप्थ हो गई। सो नाउ इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, अदरवाइज ये जो बॉक्स है वो ऐसे है, ऊपर से खुला है। सो ओपन फ्रॉम द टॉप, सो इसलिए एलबी सिर्फ एक लगेगा, ऊपर का एलबी नहीं लगेगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर भी होती है और लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे भी होती है। जब ऊपर से खुला हुआ है तो एलबी एक लगेगा, बाकी ये बी है और ये एच है, तो बी और एच, तो बी एच इधर भी है, बी एच इधर भी है, क्योंकि बी और एच, बी और एच, तो बी एच दो लगेंगे। एल एच, एल एच इधर भी है सामने में भी और एल एच पीछे में भी है। एल एच, एल इंटू एच ये वाली साइड और पीछे एल इंटू एच पीछे का एरिया। तो इस तरीके से द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सो द एरिया ऑफ द शीट, ये कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट पार्ट है, ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इट इज इक्वल्स टू एलबी, तो एक लगेगा, बेस में लेंथ इंटू ब्रेथ लिया जाएगा, वो एक ही है, ऊपर खुला हुआ है, इट इज ओपेंड एट द टॉप ये लिखा हुआ है, तो एल इंटू बी एक ही है, प्लस टू बी एच, बी एच, तो ये बी एच इधर भी है और बी एच इधर भी है, तो बी इंटू एच, टू बी एच, और ऐसे ही सामने में। सामने में क्या है, सामने का जो फेस है वो एल इंटू एच है, पीछे का भी है, तो पीछे भी ऐसे किया जा सकता है। सो दो फेस हैं इस तरीके से, सो इट इज एल एच और पीछे भी एल एच, सो टू एल एच। सारा फार्मूला वही है, बस एक एल बी कम कर दिया गया है। अब इसमें सारी डाइमेंशंस आप डाल दें, 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू बी कितना है 1.25, हाइट कितनी है 0.65, प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65। ना यहां तक बात हो गई, तो इसमें
इसको तो अभी ऐसे ही लिख दें 1.25 प्लस, इसमें 2 कॉमन ले लें और 0.65 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1.25 बचेगा और साथ में 1.5 बचेगा। सो इट इज 1.5 इंटू 1.25 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 5 10 एंड 2 6 12, सो इट इज 13.0, क्योंकि एक डिजिट पहले डेसिमल भी लगेगा, दो डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो 1.30 आ जाएगा। सो इट इज 1.30, राइट से डेसिमल लगता है। अब यहां देख लीजिए 1.25 और 1.5, इन दोनों को ऐड कर दो, सो इट इज 2.75, तो 2.75 हो गया, 2.75, ये बात हो गई। अब हम इसमें कुछ खास नहीं कर सकते हैं, अब हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। सो 1.25 इंटू 1.5 इसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हम इसमें से मल्टीप्लाई कर लें। सो 5 से कर लें, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। 1 से कर लें तो 125। सो इट इज 5781, 18.75, तो यहाँ पर 3 डिजिट पहले, तो 1.875, तो यहाँ पर आ गया 1.87, 3 डिजिट पहले 2 डिजिट इसके, 1 डिजिट इसका, सो 1.875 प्लस। इसके लिए देखिए, इसे आप 1.3 मान सकते हैं, सो 2.75 इंटू 1.3, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, सो 3 5 15, 3 7 21, तो 22, 3 2 6 2 8, 1 से कर लें तो 275। नाउ इट कम्स एज 5 7 5 3, 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दें, तो 3.575। इन दोनों को अब ऐड कर लें, सो 1.875 एंड 3.575, सो 0 एक कैरी हो गया, एंड 8 5 13 एंड 14, क्योंकि यहाँ से भी एक कैरी आ रहा है, फिर 1 कैरी है, सो इट इज 5.45। सो 5.45 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें आंसर आया है 5.45। अब इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है किसकी कॉस्ट क्या है, सो लेट अस फाइंड इट्स कॉस्ट नाउ। सेकंड पार्ट में कॉस्ट का क्या फार्मूला लगेगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट, रेट क्या है, और इनटू एरिया, जिस डिब्बे को बनाने के लिए हमें एरिया चाहिए, जो बॉक्स बनाने के लिए उसका एरिया। सो रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर कट गया, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 4 8 एंड 2 5 10, और 10 ये भी लगा दीजिए, और फिर 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, सो इसलिए ₹109। सो इट विल कॉस्ट ₹109 फॉर मेकिंग सच ए बॉक्स, इट विल कॉस्ट ₹109 फॉर मेकिंग सच बॉक्स।
वैसे हमको ये बात मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी हम निकालते हैं किसी क्यूबॉइड में, तो 2LB + 2BH + 2LH, लेकिन हमने ऊपर वाला 1 LB हटा दिया है क्योंकि ऊपर खुला है। तो आप जब ऊपर का 1 LB हटा दोगे तो एक ही तो LB बचेगा, तो इसलिए 1 LB लिखा। जो सरफेस हटानी हो, जनरली ऊपर या नीचे की करनी होती है, जैसे आपको अपने कमरे में वाइट वॉश कराना है तो आप जमीन में फ्लोर पे तो नहीं कराओगे, सीलिंग पे कराओगे, छत पर। तो फ्लोर का एरिया LB हटा देना। मान लीजिए आपका रूम है और अब आप इसमें वाइट वॉश कराना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? सब तरफ वाइट वॉश होगा, छत पे भी होगा, लेकिन अब इसमें नीचे की चीज हट जाएगी। तो ऐसे केस में भी यही फार्मूला होगा। बॉक्स बनाना है जो ऊपर से खुला हो तो यही फार्मूला होगा। कभी कभी टैंक बनाना होता है जिसमें जानवर लोग पानी पीते हैं, तो यही फार्मूला होगा। इस तरीके से हम करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। अब ये रूम का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। वैसे इसमें अमेंड है, इसमें रुपीज ठीक है, इसका मतलब है कि वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया, वरना अमेंड हो जाता। इस रेट से अगर हम व्हाइट वॉश कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है। नाउ द डायमेंशन ऑफ रूम हैज बीन गिवन एज, सो इस रूम की डायमेंशन दी गई हैं 2 LB। को नेगलेक्ट किया जाएगा, डोर का कुछ नहीं है, डायमेंशन रूम की ली जाती है, उसी के बेसिस पे जो वाइट वॉशर है वो पैसा लेता है। तो अब इस रूम का वाइट वॉश कराना है। इस रूम में सब तरफ वाइट वॉश होगा लेकिन यहाँ पर फ्लोर पे नहीं होगा, तो यहाँ जमीन पर तो नहीं होगा, सीलिंग पर होगा। तो सीलिंग पर होगा और ये वॉल्स पे होगा। तो ये क्या है, दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस इज एच। तो यहाँ पर बी एच है इधर की साइड, ये पूरा बी एच है, ये भी बी एच है। सो बी एच आमने सामने बी एच हो गया। फ्रंट में ये भी होगी वॉल, तो इसको एल एच कर लें, फ्रंट का एल एच और पीछे का भी एल एच, तो 2 BH और 2 LH। अब इसके अलावा ऊपर की चीज छत भी होगी, छत क्या हो जाएगी, LB, फ्लोर नहीं होगी, नीचे नहीं होगा। तो इस तरीके से द एरिया नीडेड टू बी वाइट वॉश्ड, द एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 LB + 2 BH + 2 LH होता है, 1 LB हटा दो। सो एक ही LB बचेगा, +2 LH +2 BH। तो इसमें नीचे वाला 1 LB हट गया। इन सभी की डाइमेंशंस लिख ली जाएं। यहाँ ये 5 मीटर है, दिस इज 4 मीटर, और रूम की जनरली हाइट 3 मीटर होती है, स्टैंडर्ड रूम जनरली ऐसे ही होता है। सो इसलिए 5 × 4 + 2 × 5 × 3 + 2 × 4 × 3, सो इट इज 25, 2 जार 10, 10, 3 जार 30 प्लस 4, 2 जार 8, 3 जार 24, सो 50 एंड इट इज 74 m². सो दिस मच मीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी व्हाइट वॉश। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग,
इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया नीडेड टू बी व्हाइट वॉश्ड. सो रेट इज 7.50, 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, जबकि एरिया है 74 मीटर स्क्वायर. एरिया ये है और रेट बुक में दिया है. सो हम 74 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें. नाउ 7.50 इंटू 74, 4 से कर लीजिए, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28. नाउ 7 से करिए, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49 प्लस 3 52. सो 00555 एंड 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दें तो ₹555 इज द कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग. ₹555. नाउ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 555. थर्ड क्वेश्चन सेज दैट द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल. अब ये भी रूम का ही क्वेश्चन है. सो द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर. उसका पेरीमीटर दिया है, दैट इज 2 × L + B. इफ The cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is this. Find the height of hall. कई बार बड़े हॉल में छत नहीं पेंट कराई जाती है. It is tedious job to paint the ceiling. So it is saying that cost of whitewashing of 4 walls दिया जा रहा है और आपसे height पूछी जा रही है. Now, in case of rectangular hall. The area needed to be whitewashed are its 4 walls. तो इसकी सिर्फ 4 walls है, ना इसका floor है ना ceiling. Floor और ceiling नहीं whitewash कराई जा रही है. So area needed to be whitewashed, तो ये चीज L है, ये B है, ये H है, जिसमें H के बारे में हमें पता नहीं है कि H कितना है. H पूछा जा रहा है. तो इधर की साइड हो गई BH, ये भी BH हो गई, B into H. सामने की कितनी हो गई, तो सामने की LH और पीछे की क्या हो गई, वो भी LH. So 2BH और 2LH. So it is 2BH plus 2LH. अगर हम इसमें से 2B plus L common ले लें और into H, H बाहर ले लें. So H इधर ले लिया. तो ये दिया जा रहा है कि perimeter क्या है. Question में दिया गया है it has perimeter 250. पेरीमीटर ऑफ हॉल, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना होता है तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही जोड़ना पड़ता है. लेंथ ब्रेथ यानी 2L प्लस 2B. तो दैट इज 2L प्लस 2B, यही होता है पेरीमीटर. ये 2L होते हैं 2B, या आप इसे ये भी कह सकते हैं 2L + B, 2 अगर कॉमन ले लेगा. और इसकी वैल्यू दी है, इट इज गिवन 250 मीटर. तो ये जो 2L + B है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो. 2B + L बोलो या L + B, एक ही बात होती है. तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ. इट इज इक्वल्स टू 250 इंटू एच. तो ये हो गया एरिया नीडेड टू बी व्हाइट वॉश्ड. अब जरा देखें इतने मीटर स्क्वायर,
कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वो भी दे रहा है, व्हाइट और रेट भी दे रहा है। इट इज रेट इनटू एरिया, कह रहा है कि ऐसा कराने में 15,000 रुपए लग गए हैं, ₹15,000 लग गए हैं टोटल कॉस्ट। और ये भी बता रहा है कि ₹10 per m² के रेट, बट हमको ये नहीं पता है कि एरिया कितना है, क्योंकि उसमें एक एच है जो कि अननोन है, तो यही वैल्यू डाल दें। तो एरिया कितना है नीडेड टू बी वाइट वॉश्ड, इट इज 250 × h m², यही वो एरिया है जो हमें वाइट वॉश कराना है, जबकि इसमें एक अननोन वैल्यू है। फिर भी मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रुपीज इधर का है तो इधर कैंसिल हो गया, बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी। सो 15,000 अपॉन 10 × 250 और उस साइड बच जाएगा एच, ये चीज है। सो इससे हमें एच का पता चल जाएगा कि हाइट कितनी है। नाउ अब जरा देखें, सो 1010 ये कैंसल हो गया और ये 25 है, तो 25 6 जा, यहां पर 25 है तो 25 6 जा 150 और साथ में 20 ये हो गया। हाँ एक चीज और देख लें, ये जो 20 हैं ये इन 20 से कैंसिल हुए, ये जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हुआ है। जरा इस चीज को फिर से देख लें कि कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन हुआ है। ऊपर 15,000 है, सो 15,000 में ये जीरो और ये जीरो, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए। अब नीचे बचा 25, तो 25 है तो 25 से 150 को कैंसिल करो तो 6 आ जाएगा। सो द हाइट ऑफ हॉल इज 6 m, हॉल ऊंचे होते हैं, सो एच इज इक्वल्स टू 6 m हाइट ऑफ हॉल इज 6 m। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 m². तो इतने एरिया को वो पेंट कर सकता है, दिस मच इज सफिशियंट। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस इंटू दिस इंटू दिस सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, पेंट दिया है कितना एरिया पेंट कर रहा है ये भी दिया है, और जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में है, उसको हमें मीटर में बदलना होगा या फिर मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, यूनिट एक रखनी होगी। नाउ सो इट हैज बीन गिवेन दैट अ कंटेनर कंटेन्स सम पेंट, इस कंटेनर में कुछ पेंट है, ये दिस कंटेनर कंटेन्स सम पेंट, इस तरीके से, सो जिससे कि पेंट किया जा सकता है। एंड देयर आर ब्रिक्स नीडेड टू बी पेंट, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ऐसी बहुत सारी ब्रिक्स हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी ऐसी ब्रिक्स हैं जो पेंट की जा सकती हैं, जबकि पेंट इस तरीके से यहां पर दिया हुआ है। नाउ लेट अस फाइंड इट आउट हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ सच काइंड कैन बी पेंटेड। तो जरा देखें, सी नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इसमें आप ये देख लीजिए ये 22.5 cm है जो इसकी लेंथ है,
एंड इट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो कि इसका सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया आपको बाहर बाहर से पेंट करना है। सो ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ब्रिक में तो सब कुछ होगा 2 LB प्लस 2 LH प्लस 2 BH, इसको निकाल लें। सो 2 कॉमन ले लें और LB 22.5 × 10 प्लस 22.5 × 7.5 ऐसे, और प्लस 10 × 7.5, सो इट इज 225। 22.5 को 7.5 से अलग से मल्टीप्लाई करो, सो 22.5 × 7.5, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 2 = 10, फिर 7 से कर लें, 7 5 = 35, 7 2 = 14, 7 2 = 14, तो ये 15 हो गया। सो इट इज 5 7 9 6 1, तो 16975 आ गया। सो इस तरीके से 2 डिजिट पहले 169.75 आ गया, 169.75, और इसको कर लें तो 75, तो ये चीज हो गई। नाउ अब देखिए, तो 22.5 एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, 22.5 × 7.5 =, तो 168.75 आया है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, 168.75, सो 5 5 = 25, 5 2 = 10 एंड 5 2 = 10, यहाँ 11 आएगा, ये गड़बड़ी की है, तो इसलिए 168, सो 168.75। नाउ इन सबको आप टोटल करो, तो क्या क्या टोटल होगा, 225 168.75 and 75, तो that is 0.75 and 18 and 10 that is 16, this is 4, तो 468.75, 468.75 में 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज इक्वल्स टू 468.75 × 2, 468.75। नाउ 468.75 में अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 5 = 10, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, तो इट इज 937.50 आ गया। सो दिस कम्स एज 937.50, 937, 2 digit पहले डेसिमल लगा दो, 0.50, 50 का भी फॉन्ट ठीक कर देते हैं, सो 50 इतना आ गया। ये तो हमारा ब्रिक का एरिया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इस पेंट से कितना एरिया पेंट हो सकता है, इस पेंट से एरिया पेंट हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इट इज 1 मीटर × 1 मीटर, इट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर,
इट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 तो 4 जीरो लग जाएंगे, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 4 जीरो लगेंगे, 1 मीटर क्यूब को बदलना होगा तो 6 लगेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो फिर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जैसे कभी क्यूब को बदलना होगा तो आप कैसे बदलोगे, तो इसके लिए 1 मीटर क्यूब इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर देना, फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कर देना, और फिर उसके बाद 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 6 जीरो आ गए। तो क्यूब को बदलना हो तो 6 जीरो लगेंगे, स्क्वायर को बदलना हो तो 4 जीरो। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। सो एरिया कैन बी पेंटेड, ये तो एरिया नीडेड टू बी पेंटेड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। सो एरिया कैन बी पेंटेड बाय गिवन पेंट, इट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें मैं 4 जीरो लगा रहा हूं, तो 4 जीरो लगाने से 3 डिजिट का डेसिमल तो हट ही जाएगा, और फिर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी हमने देखा ना, तो इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। जब भी 4 जीरो बढ़ाओगे तो उसमें फिर पीछे से 4 डिजिट पहले डेसिमल, 3 जीरो बढ़ाना होता तो 3 डिजिट पहले डेसिमल हटा देते, और एक और जीरो बढ़ाना है तो एक और लगा दिया। तो ये इतना एरिया पेंट किया जा सकता है, जबकि एक ब्रिक के लिए इतना पेंट चाहिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक का एरिया, और इससे इतना किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, इज इक्वल्स टू एरिया कैन बी पेंटेड, यूनिट हमेशा बदल लेना, अपॉन TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, वो हमने ऊपर निकाल लिया है, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH से निकाल लिया है। सो इट इज 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल हम इतना पेंट कर सकते हैं, जबकि एक ब्रिक को पेंट करने के लिए 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक के लिए, इतना सरफेस एरिया है। तो अब इस डेसिमल को हटा दें, डेसिमल को अगर हटाया जाएगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, लेकिन डेसिमल को हटा देने से ये दोनों सिमिलर हो गए हैं और कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से दिए गए पेंट से 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। नाउ इतना हो गया, सो टोटल 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय द गिवन पेंट। नाउ टोटल 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय गिवन पेंट, सिर्फ इतना भी लिख दोगे 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड तो भी सही हो जाएगा, कुछ होना चाहिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, क्यूब है बॉक्स, एक क्यूब है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, उसमें 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है, एंड 8 सेंटीमीटर हाई है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2LH प्लस 2BH होता है, उसमें ऊपर और नीचे की सरफेस नहीं ली जाती है, जो अर्थ के परपेंडिकुलर हैं वही ली जाती हैं, यानी साइड की सरफेसेस। विच बॉक्स हैज
स्मॉल टोटल सरफेस एरिया। अब टीएसए के बारे में भी पूछ रहा है कि किसका टीएसए अधिक है और किसका एलएसए अधिक है, और दोनों की डाइमेंशंस दे रहा है। लेट अस फाइंड इट आउट नाउ। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट देयर इज ए क्यूबिकल बॉक्स having dimension 10 centimeter each and other one is cuboidal box तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। दिस इज हैविंग डाइमेंशन 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट एल एस ए ऑफ क्यूब इट इज इक्वल्स टू, अब एक तरफ का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो हम चारों तरफ की साइड ले लें जो साइड वाइज वॉल्स होती हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर, सो इट इज 4 इंटू 10 स्क्वायर, सो इट इज 4 इंटू 100, इट इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में भी हमको साइड वाइज वॉल लेनी है और ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। सो दैट इज 2 एल एच प्लस 2 बी एच, एल भी तो नहीं लेना है ऊपर और नीचे का। 2 एच अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर एल प्लस बी बचता है। सो 2 इंटू 8 12.5 प्लस 10, सो इट इज 16 इंटू, इन दोनों को मल्टी, इन दोनों को ऐड करो, सो इट इज 22.5। अब 22.5 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 फाइव जा 80, 16 टू जा 32 प्लस 8 40, 16 टू जा 32 प्लस 4 36, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, सो इट इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर एंड बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको माइनस करके देखो कितने का फर्क आता है, इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर by 400 minus 360 is equals to 40 centimeter square। तो ये कितना ज्यादा है, 40 centimeter square। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है TSA का पता लगाओ कि किसका TSA ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, जिसका LSA ज्यादा है क्या उसी का TSA ज्यादा है? चलिए इसका पता लगाएं। So टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों? क्योंकि किसी भी क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं और हर सरफेस ए स्क्वायर होती है। सो इट इज 6 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का निकालिए, 2 तो कॉमन ले लें, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच टोटल सरफेस एरिया है तो सारी सरफेसेस ली जाएंगी, दैट इज 2 12.5 इंटू 10 प्लस 12.5 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8, ऐसे कर लें। 12.5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, इसी तरीके से 8 में करो, सो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 एंड 8 1 जा 8
प्लस टू तो 10, तो इससे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। एक डिजिट में डेसिमल भी लगा दिया, ये डेसिमल है, और इससे 80 आ जाएगा। अब 180 में 125 ऐड कर दें, 180 तो ये दोनों हो गए, और 125 और ऐड करें। ऐसा करने से 50305 आ गया। सो इट इज 2 × 305, सो इट इज 610। सो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार देखने में आया है कि क्यूबॉइड का तो TSA ज़्यादा होता है और क्यूब का LSA ज़्यादा होता है। देखिए क्यूब का LSA कितना आ गया था, 400। तो क्यूब LSA में जीत गया और क्यूबॉइड TSA में जीत गया। ऐसा इस केस में हुआ है। जनरली बाकी सब केस में क्या होगा, ये ऐसे फ्लैटली नहीं कहा जा सकता, बट इस केस में हुआ है। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर। लेकिन इतनी बात सच है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और क्यूब से भी मिनिमम टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। अगर कोई चीज स्फेरिकल होगी तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम है, सभी ज्योमेट्रिक शेप से सबसे कम है, नेक्स्ट नंबर पे क्यूब आता है। तो ये चीज होती है। तो अब इसमें 610 आ गया। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर। टोटल आप किसी भी चीज को अगर आप चपटा करते जाओ, रोटी बनाते जाओ लोई की, तो उसका सरफेस एरिया ही बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर, और कितना ज्यादा है, बाई 610 माइनस 600, इट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वो ज्यादा होगा। आप ऐसा भी देख लें कि किसी क्यूब में अगर आप क्यूब पनीर का टुकड़ा है, तो अगर उसको आप बीच से कट कर दें और सोचें कि हम 2 क्यूबॉइड बना लेंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप 2 LB जनरेट कर लेंगे, क्योंकि बीच में जहां से कटेगा ऊपर वाले के लिए भी 1 LB जनरेट हो जाएगा और नीचे वाले के लिए। तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप क्यूबॉइड बनाते चले जाओगे, तो चीजें आपका एरिया ही बढ़ेगा, सरफेस एरिया। तो इसलिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा ही होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। आगे की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।